वेलकम बैक आपके साथ एक बार फिर ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में और बहुत ही खूबसूरत यकीनन आप लोगों का ये दिन गुजर रहा होगा प्यारे प्यारे लोगों से मिलते हुए हंसते हुए खिलखिलाते हुए और खाते पीते और हमारा ये जो दिन गुजर रहा है आपके साथ गुजर रहा है वाइब की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद की हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं ये चाहती हूँ कि खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए। बीना तैयार है आप? बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज ताकि आप घर पे दोबारा जाके खाए पिए, मैं आपका ख्याल कर रही हूँ। जा जावे जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, तेनू हुण तोड़ी ना खुदा दे वास्ते। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये सुनाया है और जनाब के टाइम तेजी से हमारा गुजरता चला जा रहा है लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपके तमाम दिन को ईद के दिन का जैसा बनाए जिसमें आप बहुत सारी खुशियां हासिल कर सकें। हमारी कोशिश तो ये है कि इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बहुत सारी खुशियां बांटूं, आपकी ईद बहुत खूबसूरत बनाऊं, इसीलिए बोलती कम हूँ मैं, अगर कम बोलूंगी तो ज्यादा मैं सुनूंगी और ज्यादा सुनूंगी वो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होंगे। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब अगर एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। मैं आपको बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुना रहा हूँ, रफी साहब का। रफी साहब जी, आप पसंद करेंगे बहुत ज्यादा। ये रेशमी ज़ुल्फ़ें
ये शर्वती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शर्वती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आंखें शर्म से झुक जाएंगी फिर तो मगरूर इतनी हो जाएंगी, उफ ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी फिर तो मगरूर इतनी हो जाएंगी। कर देगा ये दीवाना कोई उनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शर्बती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और इसी के साथ हमारा टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप की तरफ जा रहा है, और लेकिन एक और जो खूबसूरत आवाज़ है हम उनको कैसे नहीं सुने, और ये हमारे शो में मेरे शो में काफ़ी बार शामिल भी हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत एक अलग अपना अंदाज भी रखते हैं, तो इनकी तरफ आते हैं। और साथ साथ आप लोग भी जो है ना मेरी तरह यकीनन गुनगुना रहे होंगे, क्योंकि जो भी सिंगर गा रहे होते हैं अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ शामिल कर लेती हूँ कि शायद मुझे इसी तरह से अपनी आवाज़ अच्छी लगने तो उनका एक आसरा मिल जाता है। तो ये सारे अच्छे और खूबसूरत सॉन्ग्स में मैं भी अपना एक हिस्सा डाली हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें इसी तरह से। प्लीज आप सुनाएंगे। रमजान में अल्लाह ताला ने इस महीने की फिजिबिलिटी कुछ इसी हिसाब की बना दी कि ईद के दिन भी यही लग रहा है शायद रोजा है हमारा। सलीम भाई ने अभी केक को टच किया, उन्होंने ब्रेक में केक खाने की कोशिश की, बाद में उनको ख्याल आया शायद मेरा रोजा है, उन्होंने ऐसे छोड़ दिया जैसे केक की तारे नंगी हैं। वही कह रही हूँ, पहले एक दो दिन में ना एक दो दिन में तो मतलब माइंड ही नहीं बनता, वो एकदम से खाते खाते इंसान थोड़ा सा जो वो रुक जाता है, फिर याद आते कि नहीं भाई अब तो ईद आ चुकी है, अब तो इनाम मिल चुका है आपको इस रोजे का।